28 मई यानी मंगलवार को क्राडिफ में भारत और बांग्लादेश के बीच आईसीसी एक दिवसीय वर्ल्ड कप का 10वां अभ्यास मैच खेला गया और इस मैच में विराट कोहली की अगुवाई वाली भारतीय क्रिकेट टीम ने शानदार अंदाज में जीत दर्ज कर वर्ल्ड कप में अपनी प्रबल दावेदारी को साबित कर दिया। टीम इंडिया ने इस मैच में बेहद ही लाजवाब खेल दिखाया और इस मैच में 95 रनों के बड़े अंतर से जीतकर अपने नाम किया। भारतीय टीम की जीत में सबसे बड़ी भूमिका पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने 113 रन बनाकर और केएल राहुल ने 108 रन बनाकर निभाई। दोनों ही खिलाड़ियों ने दमकर शतकीय पारी खेली। कहने को तो लोकेश राहुल और एमएस धोनी दोनों ने ही लाजवाब शतक बनाए, लेकिन मैच में मुख्य आकर्षण के केंद्र अगर कोई रहा तो वह सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी ही थे। धोनी ने मंगलवार को क्राडिफ के मैदान पर बांग्लादेशी गेंदबाजों की जमकर क्लास लगाई। एमएस धोनी ने मात्र 78 गेंदों का सामना करते हुए 113 रनों की विस्फोटक पारी खेली। अपनी इस बेहद ही ताबड़तोड़ पारी में धोनी ने 8 चौके और 7 गगनचुंबी छक्के भी जमाए। शतकीय पारी में महेंद्र सिंह धोनी का स्ट्राइक रेट लगभग 145 का रहा। पूर्व कप्तान एमएस धोनी ने अपना शतक भी एक लंबे छक्के से पूरा किया। धोनी ने जैसे ही छक्का लगाया वैसे ही टीम के कप्तान विराट कोहली ने बेहद ही अनोखे अंदाज में उनके शतक का जश्न मनाया। किंग कोहली ने महेंद्र सिंह धोनी के शतक के बाद एक ऐसा रिएक्शन दिया जो सोशल मीडिया पर मौजूदा समय में बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है। महेंद्र सिंह धोनी के शतक के बाद न सिर्फ कप्तान कोहली बल्कि पूरी टीम बेहद खुश नजर आई और सभी ने खड़े होकर धोनी के शतक का अभिवादन किया। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहे क्रिकेट केसरी। अगर आप ये वीडियो हमारी फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए। अगर आप ये वीडियो हमारी यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। करण खुराना, पंजाब केसरी, दिल्ली।